नमस्कार, मैं शरद सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं इधर प्रभात लाइव। आज हम सभी दर्शकों को दर्शन कराने जा रहे हैं मातोश्री भवन के। अरे नहीं, गलतफहमी मत रखिए, हम मुंबई ले जाकर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे इनके भवन के दर्शन नहीं करा रहे हैं। आज वो मातोश्री भवन बहुत बड़ा है, शिवसेना के सर्वे सर्वा बाळासाहेब ठाकरे इनका निवास स्थान है। यहाँ पर इस भवन में ऐसा कोई दिग्गज नेता नहीं, ऐसे किसी पार्टी का कोई नेता नहीं है जो यहाँ पर गया नहीं और यहाँ पर मत्था नहीं टेका। क्यों? क्योंकि बाळासाहेब ठाकरे ये एक नाम था जहां पर अच्छे से अच्छे नेता ने घुटने टेक दिए थे। लेकिन इतने बड़े मातोश्री की एक जेरोक्स कॉपी, मतलब डुप्लीकेट कॉपी परतवाड़ा में तैयार हो गई है। अब आप पूछेंगे कैसे मातोश्री भवन बन गया है यहां पर परतवाड़ा के पूर्व नगर अध्यक्ष सचिन देशमुख इनका घर। सचिन देशमुख इनका ये घर जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मातोश्री के नाम से जाने जाना लगा है। इसी मातोश्री भवन से, परतवाड़े के इसी मातोश्री भवन से पूरे अमरावती जिले की राजनीति संचालित की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना से अभी नगराध्यक्ष हुई सौ सुनीता फिस्के इनके बारे में। सुनीता फिस्के और नरेंद्र फिस्के इनको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन जब नगराध्यक्ष पद के चुनाव लड़ाए गए तब शिवसेना पार्टी की ओर फिस्के इनका नाम सामने किया गया। फिस्के इनके पीछे खड़े हो गए थे पूर्व नगराध्यक्ष सचिन देशमुख। अब आप पूछेंगे वो क्यों? सचिन देशमुख एक करोड़पति आसामी है, पैसा बहुत है, एक पैसे का घमंड, और अमरावती के विधायक जो कि इनके रिश्तेदार है, रिश्तेदार विधायक, और खुद के पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी, बस यही हथियार बनाया था इन्होंने अच्छे से अच्छे राजनीतिक को अपने भवन में बुलाकर नाक घसवाने के लिए। शिवसेना की ओर से जब सुनीता फिस्के खड़े हुए थे तब इनको समर्थन देते हुए सचिन देशमुख इन्होंने पानी की तरह पैसा बहा डाला था। पैसा ऐसे ही नहीं बहाया था, इन्हें नगर पालिका में शिवसेना की सीट लानी थी क्योंकि आगे चलकर काले पीले जो भी काम है वह आसानी से करा सके। इसी वजह से पानी की तरह पैसे बहाकर वो अच्छे से अच्छे इंसान को घर में बुलाकर उसे समझा बुझाकर एक से एक रोड़े हटाकर इन्होंने जैसे जैसे सुनीता फिस्के इनकी सीट यहाँ पर लाकर रख दी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन खुद के लिए भी नगर पालिका में एक जगह बनानी थी, फिर से वही पैसों का खेल चला और यहाँ पर श्रीकुंड नगर सेवक बनने के लिए इन्होंने पानी की तरह पैसे बहा डाला और आज की तारीख में अचलपुर नगर पालिका के श्रीकुंड नगर सेवक बन गए। नगर पालिका में एक के बाद एक घोटाले होते रहे जिसकी पूरी जानकारी विदर्भ प्रभात की ओर से आप सभी को दी गई थी। लाखों के घोटाले हमने आपके सामने उजागर कर दिए थे। पद भले नगराध्यक्ष सुनीता फिस्के इनके पास में था लेकिन संभाल रहे थे नरेंद्र फिस्के। लेकिन नरेंद्र फिस्के को जो कुछ आदेश मिल रहा था वो मिल रहा था इस मिनी शिवसेना भवन से जो कि सचिन देशमुख इनका निवास स्थान है। जो कुछ भी सलाह लेनी है इस मिनी शिवसेना भवन में आना है, इनसे पूछना है और ये जैसे बताएंगे वैसे नगर पालिका में जाके करना है। ये राजनीति चल रही थी इस शिवसेना भवन से। हद तो तब हो गई जब हमने यहाँ के काले पीले कारनामों को सामने लाने के लिए लगातार हमारी खबरों से एक के बाद एक घोटाले सबके सामने लाकर रख दिए। तब जाकर नरेंद्र फिस्के इन्होंने हमसे लेकर उन पत्रकारों पर बंदी लाकर रख दी थी नगर पालिका में आने जाने के लिए, साथ में यहाँ की सभाओं में बैठने के लिए, जो खुलेआम इस तरीके में चल रहे भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे थे। गिनो चिनो कुछ पत्रकार हम थे जिन्होंने ताकत से इस भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख डाली थी, लेकिन कुछ चापलूस पत्रकारों को अपने साथ में रखकर वो सचिन देशमुख इनका मार्गदर्शन लेकर पूर्व नगराध्यक्ष सचिन देशमुख इनके कहने पर ही नरेंद्र फिस्के इन्होंने कुछ पत्रकारों का नगर पालिका में आना जाना वो आम सभा में बैठने तक पर पाबंदी लाकर रख दी थी। लेकिन विदर्भ प्रभात ने उस वक्त भी इस बात का पूरा विरोध किया था, वो पूरे नियम कायदों का हवाला देकर सामने लाकर विदर्भ प्रभात के साथ में सभी पत्रकारों के रास्ते नगर पालिका से लेकर आम सभा में खोलकर रख दिए थे। मार्गदर्शन तब भी चल रहा था पूर्व नगराध्यक्ष सचिन देशमुख इनका। हाल फिलहाल में सचिन देशमुख इनके यहाँ के कुछ शिवसेना के पदाधिकारियों से अनबन चल रही है। अब इसी अनबन के चलते बदला लेने की भावना लेते हुए इन्होंने एक कुटिल राजनीति चल डाली। अभी विधायक पद से लेकर तो संसद पद तक का हर के चुनाव आने वाले है, इस चुनाव की राजनीति इन्होंने अभी से यहाँ पर तैयार कर डाली। शिवसेना पार्टी से जो जो लोग इन्हें नहीं चाहिए, मतलब जिन जिन लोगों से इनकी दुश्मनी चल रही है, उन सभी को पार्टी से निकालने के लिए इन्होंने एक नया हथकंडा आजमा डाला। विधायक पद के लिए अभी सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी नगराध्यक्ष पति नरेंद्र फिस्के इनके बीच में व अमरावती जिला प्रमुख महिला आघाड़ी सौ वर्षा भोयर इनमें। वर्षा भोयर इनका कहना यह था कि विधायक पद की जो टिकट मिलने वाली है शिवसेना की ओर से वो वर्षा भोयर इनको मिलेगी। लेकिन नरेंद्र फिस्के इनका कहना था कि शिवसेना की ओर से जो विधायक पद की टिकट मिलने वाली है वो उन्हें मिलने वाली है। इनके आपसी लड़ाई का फायदा सचिन देशमुख इन्होंने पूरी तरह से उठा लिया।
अब आप पूछेंगे कैसे, तो सिलसिला तरीके से हम आपको समझाते जाएंगे। सबसे पहले सचिन देशमुख इन्होंने नरेंद्र फिक्स के इनको मीडिया को ये स्टेटमेंट देने के लिए कहा कि वे इलेक्शन ही नहीं लड़ने वाले हैं, वे कभी विधायक पद के लिए खड़े ही नहीं होंगे। लोगों की चर्चा में कोई अब अपन किसी के मुंह को लग नहीं सकते, आप अपने विचारधारा से अब अपनी चर्चा कर रहे लोग, लेकिन मैंने आज तक भी अभी तक ही न पक्ष से बोलो या किसी से इसके बारे में मैंने कोई चर्चा की नहीं, न भाई कोई इसमें इंटरेस्ट है। पहले तो लोकसभा है, अपने लोकसभा जीतना है, अशोक साहब फिर से लोकसभा के लिए कैंडिडेट है, पहले इनका विचार बाद में विधानसभा, और आज विधानसभा अपने चर्चा से कोई फायदा का भी पक्ष जो निर्णय लेगा वो पक्ष के निर्णय के हिसाब से चलेगा, आज तो वो विषय है ही नहीं विधानसभा का। और वैसा मैं अगर सच्चे दिल से बोलता मेरे को इसमें थोड़ा सा भी अभी इंटरेस्ट नहीं, मतलब आपकी खुद की ऐसी कोई तैयारी नहीं थी या मंशा नहीं है अभी तक, कोई तैयारी है ना मेरे मन में है ना मेरे दूर दूर तक के विचार भी नहीं मेरा। अब आखिर ये राजनीति क्या थी, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। एक तीर से दो निशाने मारने थे पूर्व नगराध्यक्ष सचिन देशमुख इनको। सबसे पहला निशाना था विधायक बच्चू कड़ू। आज विधायक बच्चू कड़ू अमरावती नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में जाने जाते हैं, पूरे भारत में जाने जाते हैं एक ईमानदार व कर्मठ नेता। हैट्रिक बन चुके हैं इनकी विधायक पद पर विराजमान होने की। आज इतने बड़े नेता को टक्कर देने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगनी थी, न वर्षा भवन इनको टक्कर दे सकती है ना ही नरेंद्र फिस्के इनको टक्कर दे सकते हैं। लेकिन जब से नरेंद्र फिस्के इन्होंने विधायक पद पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की तभी से अचलपुर नगर पालिका में हालात बहुत से बदलते नजर आ गए। करोड़ों के ठेके करोड़ों के काम विधायक बच्चू कड़ू ने नगर पालिका से हटाकर पीडब्ल्यूडी को दे डाले, करोड़ों का नुकसान होने लग गया और साथ में विधायक की दुश्मनी भी आंग पर आने लग गई। अब विधायक की दुश्मनी भी हटानी थी, वो करोड़ों के ठेके जो नगर पालिका से जा रहे थे वे भी बचाने थे। इस बात से बचने के लिए यह स्टेटमेंट दिलवाया गया कि नरेंद्र फिस्के अब चुनाव लड़ने ही वाले नहीं है। ये था पहला निशाना। अब दूसरा निशाना था शिवसेना महिला आघाड़ी जिला प्रमुख सौ वर्षा भोयर इनका, क्योंकि वर्षा भोयर भी इच्छुक थे शिवसेना की ओर से विधायक पद पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन लड़ाई चल रही थी नरेंद्र फिस्के के साथ में। लेकिन अचलपुर के कुछ शिवसेना के पदाधिकारियों को सचिन देशमुख इनको अपने पद से हटवाना था, तो इसके लिए इन्हें मदद चाहिए थी वर्षा भोयर इनकी। तो सबसे पहले वर्षा भोयर को अपने कब्जे में लेना था, वर्षा भोयर को अपने बातों में भलाना फुसलाना था, तो इन्होंने सबसे बड़ा हथियार ये लगा लिया, नरेंद्र फिस्के इनसे ये स्टेटमेंट दिलवा दिया कि इसके बाद में नरेंद्र फिस्के चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, मतलब हम विधायक पद के लिए कभी खड़े ही नहीं होंगे। ये सरासर झूठ था। एक तीर से दो निशाने मारे गए, एक विधायक बच्चू कड़ू से जो दुश्मनी हो रही थी उन्हें रोकना था, वो दूसरा अमरावती जिला प्रमुख महिला आघाड़ी वर्षा भोयर इनको अपने हाथ में लेकर अपने मन मुताबिक अचलपुर परतवाड़े की पूरी बॉडी तैयार करवानी थी। एक तीर से दो निशाने। अब एक रहस्योद्घाटन हम आपको करने जा रहे हैं। जिस वक्त नरेंद्र फिस्के इन्होंने ये कहा था कि वे विधायक पद के लिए खड़े ही नहीं हो रहे हैं और वे चुनाव ही नहीं लड़ रहे, इन्होंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी। हमें ये इंटरव्यू देने से पहले ही उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए ये साफ साफ तौर पर कह दिया था, इस टाइम पे मेरी विधायक बच्चू कड़ू से भी दुश्मनी हो रही है और उधर वर्षा भोयर से भी नाराजी हो रही है। अभी आप ये इंटरव्यू डाल दीजिए, मुझे जब खड़ा होना है तब मैं तो खड़ा हो ही जाऊंगा, वर्षा भोयर को मैं उनकी जगह बता दूंगा। लेकिन उस वक्त हम नरेंद्र फिस्के इनका कंटिन्यू स्टिंग करते जा रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि इसी तरह की कुटिल राजनीति यहाँ पर चल रही थी। हमने हमारी कार्य तत्परता का परिचय देते हुए वो पूरा स्टिंग हमारे पास में सेव कर लिया था। वक्त आने पर हम ये स्टिंग हम आप सभी के सामने लाकर रख देंगे कि किस तरीके से सिर्फ अमरावती महिला आघाड़ी जिला प्रमुख वर्षा भोयर इनको विधायक पद का एक लॉलीपॉप दिया था। लॉलीपॉप मतलब ये कि इलेक्शन का वक्त आने तक आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे मुताबिक आप आपके पदाधिकारी तैयार कीजिए, हमें जो पसंद नहीं उन पदाधिकारियों को दूर कर दीजिए, और जब ऐन वक्त पर शिवसेना की ओर से नरेंद्र फिस्के इनको खड़ा करवाना था सचिन देशमुख इनको। ये पूरी राजनीति खेली गई है इस मिनी शिवसेना भवन से। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे करीबी सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी उसके मुताबिक अब पूर्व नगराध्यक्ष सचिन देशमुख इनकी कुटी दाल की हद तो ये देखिए, इन्होंने शिवसेना पार्टी को अपने कब्जे में लेकर एक नई रणनीति तय की है। शिवसेना पार्टी में जितने भी हिंदी भाषी पदाधिकारी है इन्हें लगभग दूर करने का फरमान सचिन देशमुख इन्होंने छोड़ दिया। इसके भी सबूत आज विदर्भ प्रभात के पास में मौजूद है, जो वक्त आने पर हम इसी चैनल के जरिए आप तक पहुंचा देंगे। मतलब शिवसेना में सिर्फ मराठी भाषियों को ही एक आगे का स्थान दिया जाएगा, वह हिंदी भाषियों को सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में पीछे धकेलते जाना है। मतलब जाति भेद की राजनीति खेली जा रही है इस मिनी मातोश्री भवन से।
हमारे पास में हर सबूत है जो वक्त आने पर हम इसी चैनल से आप सभी तक बताए जाएंगे। इसके बावजूद अगर सचिन देशमुख या किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को हमारे किसी भी खबर से आपत्ति है तो वे हम पर न्यायालय में जाकर केस कर सकते हैं। न्यायालय में आकर ही हम हर चीज का जवाब देंगे और साथ ही हर सबूत यहाँ पर पेश कर देंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय दीजिए, नमस्कार।